जब इनिशियली जब के थे में काम करते थे आज इतने सारे फॉलोवर्स हैं हैं सब्सक्राइबर्स यू नो वी हैव सीन द फोटोज रणबीर कपूर के साथ हाँ। के साथ साथ आपकी फोटो फोटो शेट्टी क्या आपने कभी सोचा था कि यार मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि स्टार्स जो हैं इनके साथ मिलने का मौका मिलेगा या वो मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसा लगता था दूर से देख के क्या जिंदगी इनकी क्या बढ़िया है काश कभी मिल पाऊंग ऐसा ऐसे सोचता था दिल्ली दिल के अंदर पर वो शाहरुख खान का डायलॉग है किसी चीज को दिलो जान से चाहो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है जब आप दिल से किसी चीज को मानते हो और दिल से पागलों की तरह उसी चीज के पीछे लगे रहते हो सुनता है ऊपर वाला सच में मेरी लाइफ बताओ कहा से चेंज हुई मैं ऐसे ही वीडियोस तो बनाता था ठीक है पर नहीं। ऐसा नहीं था स्टार्टिंग से व्यूज आ रहे थे बीच माने शुरू हुए थे एकदम से जैकपॉट आया जब मैं शिरडी साई बाबा के यहाँ पे गया और दिल से मैं गया वहाँ पे और मैंने एक ऐसे पर्ची ली और उसके अंदर अपने दिल की बातें लिखी साई बाबा कैसे हो आप मैं शिवम यहाँ से आया हूँ और आपका बच्चे की तरह और सारी दिल की बात लिख दी मैं ये चाहता हूँ ये चाहता हूँ सारी बातें ऐसे फोल्ड करके पंडित जी के हाथ में दी उन्होंने वहाँ पे उनके में रखी उस दिन से आज तक जो जो शब्द जो जो शब्द मैंने बातें वहां लिखी है सच में सब पूरी होती जा रही है चाहे बॉलीवुड एक्टर से मिलना हो चाहे गाने करना हो अभी गाना भी आ रहा है मेरा चाहे कुछ भी करना हो चाहे लोगों से मिलना चाहे लोग मुझे पहचाने जाने एक एक वर्ड वो पूरा होता जा रहा है कुछ बातें और बची रही है वो भी पूरी मुझे पक्का होंगी और यार पूरी तो पर जब ही होंगी। जब ही तुम मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे कुछ आपके अंदर आग लगी होगी अब रजाई में पड़े पड़े सोचोगे हो जाएगा जिंदगी में सब कुछ क्या उठो घिसो मेहनत करो जब जाके होगा कुछ मैं जानना चाहता हूँ जब सुनी शेट्टी के साथ कैसे मिलना होगा क्या बात हुई तो आ, सर से मेरी बातचीत थोड़ी पहले से थी और थोड़ी गहरी बातचीत भी बीच में हुई मैं आ, अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता रहता हूं जिन लोगों ने बहुत कुछ अच्छा काम करा है अपनी जिंदगी में तो सुनील शेट्टी सर ने यहाँ दिल्ली में कुछ लड़कियां छुटाई थी आ, सेक्स ट्रैफिकिंग से तो वहां पे मैं वो मैंने वीडियो बनाई और मैंने बताया कि कितना अच्छा नेक काम करा सर ने और उन लड़कियों की ज़िंदगी कैसे बदली और ये सारी चीज़ें उसके बाद वो सर ने वीडियो देखी और वहां से थोड़ी और हमारी बातचीत शुरू हुई फिर मैं मुंबई गया फिर मुंबई मुलाकात हुई ऐसे और ऐसा मिलके ऐसे लगा कि जैसे मैं बहुत पहले टाइम से इन्हें जानता हूँ बहुत है खास बात उनके साथ और बाकी जो रणवीर कपूर के साथ फोटो है वो भी मिलना जुलना ऐसी होता मूवी के प्रमोशन था उनकी एक मूवी आई थी एक एक फोटो <laughs> मैं देख रहा था अभी तो ये फोटो आ, काफी इंटरेस्टिंग फोटो है कौन सी कौन सी और ये मूवी प्रमोशन में आप हो तो आपके कान में रणबीर कपूर क्या कह रहा है ये बड़ी खास बात थी मैंने ये चीज नोटिस करी कि जो लोग मिल रहे थे इनसे जब मैं ज्ञान के पास और हाथ बात मिलाए मैंने और मैंने बोला और कैसे हो भाई मेरे मुझे से भाई निकला और कैसे भाई देखा मेरे तरफ और मेरी मे भी थोड़ा सा पर्सनैलिटी के कुछ देख के मतलब हमारी बातचीत हुई और मेरी हाइट इनसे इतनी लंबी है थोड़ी सी ज्यादा तो ऐसे कर बात करे तो और क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम शिवम मलिक है अच्छा हुँ, हुँ, क्या करते हो? मैंने कहा हु, कंटेंट वीडियो हु? वीडियोस बनाता चाहिए में। <laughs> मुझे उस भी आ रही, थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा तो मैंने बोला उनसे मोटिवेशन में एकदम से कुछ एकदम से आते नहीं ऐसे टाइम दिमाग में जो आया ठीक है बोल दिया एकदम फटाफट आप अमीर हो गरीब हो कुछ मैटर नहीं करता आपका कलर क्या है आपकी हाइट क्या है या आप कहाँ से आए हो कुछ मैटर नहीं करता मैटर करता है तो आप कितनी मेहनत से उस काम को कर रहे हो और लगे पड़े हो उस काम में दिलो जान से तो उन्होंने मुझसे ऐसे कान में कहा लगे रहना तुम भी हमेशा ऐसे <laughs> <laughs> लगे रहो फिर उन्होंने बोला लगे रहो फिर जो साइड में ये जो एक्ट्रेस है हाँ। वानी कपूर इन्होंने भी कहा